हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं और कविश अकेला घर में बैठे हुए हैं। कविश का मम्मी गया है, थोड़ा बाजार में कुछ काम है। तो लंच का टाइम हुआ, घड़ी में बज रहा है 1। तो हम लोग देखते हैं क्या बना सकते हैं। वैसे कविश तो गेम खेलने में बिजी है। ही इज़ प्लेइंग गेम इन मम्मी मोबाइल। मम्मी लेफ्ट द मोबाइल फॉर हिम, सो ही इज़ एंजॉइंग मोबाइल। ओके, यू गो एंड प्ले एंड देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ लंच बनाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए क्या मिला मुझे। ये है फ्रीज किया हुआ चिकन। मुझे फ्रीज़र में से मिला ये चिकन, तो नेकी और पुछ पुछ। अभी इसमें से कुछ चिकन निकाल के मैं बनाऊँगा कुछ चिकन का रेसिपी। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए पूरा वीडियो को। चिकन को नॉर्मल होने देते हैं और उस टाइम में, इन द मीन टाइम, मैं थोड़ा मसाला पीस लेता हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट और बाकी जो मसाला है उसको रेडी कर लेता हूँ। तो मेरा एक अच्छा हुआ है, मैडम आ गई है। अभी मैडम बनाएगी खाना और मैं अपना वीडियो का एडिटिंग का काम करता रहूँगा। तो देखिए, मैडम ने बना लिया, दाल ले लिया, चावल ले लिया, ये क्या है इसको, क्या बोलते हैं, नींबू, ये प्याज ले लिया, और ये देखिए चिकन। चिकन का थोड़ा दिखाइए, ये है चिकन। चिकन का क्या बोले, कलर ज़बरदस्त आया। तो मैं ये लेग पीस ट्राई करूँगा, सोच रहा हूँ। घर में खाने का मज़ा ही अलग होता है। थोड़ा सा ग्रेवी और एक आलू ले लिया। ग्रेवी सुपर है। चिकन का देखिए, ये देखिए लेग पीस, ये देखिए। कोई जवाब नहीं। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा तो ग्रेवी से दाल भी डाला था मैंने, थोड़ा तो ग्रेवी से इसको अच्छा से मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए चिकन बहुत सॉफ्ट है। ये डाला, कोई जवाब नहीं है। प्यार आलू देखिए, एकदम सॉफ्ट आलू। आप लोग सोचिए, अगर बाहर में मैं खाने जाऊंगा तो ऐसा खाना मिलेगा? हवा की वजह से पापड़ थोड़ा डैम्प हो गया। ये देखिए चिकन का चमड़ा, देखिए ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना टेस्टी। आज सुबह से पानी गिर रहा है, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। फिर भी मैडम निकला था, मैडम को कुछ काम था। मेरा होल्ड आज घर में चला गया। नींबू लगा लेता हूँ। तो इनिशियली मैं सोचा था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मैडम टाइमली आ गई तो इसलिए मैडम ने बनाया।
मैं बनाता हूँ तो मसाला थोड़ा ज़्यादा होता है, मैडम बनाते हैं तो थोड़ा ओके। थोड़ा ग्रेवी ले रहा हूँ जैसे, ये देखिए ग्रेवी, ग्रेवी का कलर देखिए, थोड़ा टेक्सचर देखिए, वैसे मैं आपको बता दूँ ये मतलब ग्रेवी जो है इसमें मसाला बहुत सारा गया है लेकिन फिर भी लाइट है, इतना वो नहीं है, लेकिन मिर्च भी कम सी डला है, उसका वजह से हर कोई खा सकता है। इतना गारंटी है, ये प्रिपरेशन के साथ में मैं एक थाल क्या दो थाल भात खा सकता हूँ पेट में उसी हिसाब से जहाँ बना के। एक काम करते हैं, खाना ख़त्म करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा लंच और खाना? बहुत गर्मी था इसलिए मैंने ड्रेस चेंज किया नहा के, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी बेहतर और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।